हेलो एवरीवन, आज हम ब्लैक कटेचू करेंगे। सो हमने कल की क्लास में पेल कटेचू कवर कर लिया था, तो आज ब्लैक कटेचू की बारी है। सो ब्लैक कटेचू का सबसे पहले हम सिनोनिम पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ ब्लैक कटेचू? ब्लैक कटेचू को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक कटेचू का दूसरे नाम है पीरू कटेचू या कटेचू निग्रम या कथा। कथा हिंदी में बोलते हैं, तो आप तीनों में से कोई भी नाम याद कर सकते हैं, तीनों नाम बेस्ट होंगे। तो ब्लैक कटेचू को अगर एग्जाम में पीरू कटेचू दिया है तो आप समझिएगा कि ये ब्लैक कटेचू है। नाउ इट्स सिनोनिम। सिनोनिम मतलब कहाँ से मिलता है? ब्लैक कटेचू इज़ द ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द हर्टवुड ऑफ अकाशिया कटेचू। ब्लैक कटेचू हमें हर्टवुड से मिलता है, और कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि जो पेल कटेचू है वो हमें लीव से मिलता है या उसके ट्विग से मिलता है। तो यहाँ पर एक डिफरेंस है ब्लैक कटेचू और पेल कटेचू के बीच में। सो करते क्या है अब, अकाशिया कटेचू एक प्लांट का नाम है, एक ट्री है, ये कोई शब्द नहीं है, एक ट्री है, मोटा सा एक ट्री होता है, उसकी मोटी सी एक स्टेम होती है। जब वो 2 से 10 साल तक का प्लांट हम लेते हैं, उसको कट कर लेते हैं, देन कट करने के बाद उसके जो ऊपर के बार्क होते हैं उसको रिमूव कर देते हैं, बार्क के अंदर आता है सैपवुड, देन हर्टवुड। तो हमें हर्टवुड से हम अकाशिया कटेचू, ब्लैक कटेचू या अकाशिया कटेचू का यूज़ करते हैं, तो हम हर्टवुड चाहिए हमें। सो बार्क को रिमूव करा, सैपवुड को हम रिमूव कर देंगे, कट कर देंगे, फिल कर देंगे, देन उसके बाद हर्टवुड को लेकर उसके पीसेस कर छोटे छोटे पीसेस कर उससे उसके एक्सट्रैक्ट से उसको पानी में बॉईल करेंगे, जो कि हम प्रिपरेशन में आगे पढ़ेंगे। उसको बॉईल करने के बाद वो जो एक्सट्रैक्ट मिलेगा उसको कॉन्सनट्रेट करने के बाद हमें ब्लैक कटेचू मिलता है। सो ब्लैक कटेचू इज़ दी ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट। एक्वस एक्सट्रैक्ट मिला, उसको हम ड्राई कर लेंगे, प्रिपेयर फ्रॉम दी हर्टवुड। ये एक्सट्रैक्ट हमने हर्टवुड से बनाया है ऑफ अकाशिया कटेचू। हर्टवुड किसका लिया है? अकाशिया कटेचू का लिया है। तो ये बायोलॉजिकल सोर्स है। नाउ इट्स फैमिली, ब्लैक कटेचू जो है लेग्यूमिनोसी फैमिली है, मतलब कि अकाशिया कटेचू की जो फैमिली है वो लेग्यूमिनोसी है। हैबिटेट, ये इंडिया बुर्मा के अंदर पाया जाता है, इसके प्लांट पाए जाते हैं। नाउ प्रिपरेशन, कैसे प्रिपेयर करते हैं? सो द ट्री कौन सा ट्री, नाम क्या है? अकाशिया कटेचू। द ट्री इज फेल्ड, कट आउट या कट डाउन या कट ऑफ, फेल्ड का मतलब काटना, एंड बार्क एज वेल। ट्री के साथ साथ हम बार्क को भी रिमूव कर देंगे, ट्री को काट लेंगे पहले, फिर बार्क को हटाएंगे, फिर उसके बाद सैपवुड को काटेंगे, एज वेल एज सैपवुड आर रिमूव्ड। नाउ जो हमें हर्टवुड मिला, हमने बार्क हटा लिया, सैपवुड हटा लिया, नाउ हर्टवुड मिला। द हर्टवुड इज कट इन टू स्मॉल पीसेस एंड बॉइल्ड विद वाटर। हर्टवुड को छोटे 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 टुकड़ों में उनके पीसेस कर लेंगे, उसके बाद बॉइल करने के लिए उसको एक कंटेनर में, एक स्टेनलेस स्टील के अंदर या अर्थनवेयर कंटेनर्स के अंदर डाल देंगे उन हर्टवुड के पीसेस को पानी के अंदर, बॉइल्ड खोलते हुए पानी के अंदर। द डिकॉक्शन इज फिल्टर्ड एंड कॉन्सनट्रेटेड टू गेट अ विस्कस मास। डिकॉक्शन जो होता है एक प्रोसेस का नाम है, मैसीरेशन डिकॉक्शन, जो कि हम फर्स्ट ईयर में ही फार्मास्यूटिक्स के अंदर एक चैप्टर है डिकॉक्शन और मैसीरेशन का, उसमें हम पढ़ेंगे। डिकॉक्शन मतलब ऐसे होता है जो हम इसकी प्रिपरेशन के लिए पानी के अंदर जब हम हर्टवुड को डालते हैं उसको बॉयल करते हैं, उसी प्रोसेस को डिकॉक्शन कहते हैं। अदर डिकॉक्शन इज फिल्टर्ड, जो हमें मिला है फिल्ट्रेट, जो एक्सट्रैक्ट जो हमें मिला है, इसकी जगह हम एक्सट्रैक्ट भी लिख सकते हैं। द एक्सट्रैक्ट इज फिल्टर्ड, उसको फिल्टर कर लेंगे एंड कॉन्सनट्रेट। मतलब फिल्टर का मतलब क्या हुआ, जो पीसेस है हार्टवुड को उनको हटा देंगे, फेंक देंगे, और हमें सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रैक्ट प्योर लिक्विड मिला जिसके अंदर बहुत सारे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है अकाशिया कटेचू की, हार्टवुड के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं। सो द डिकॉक्शन इज फिल्टर्ड एंड कॉन्सनट्रेटेड टू गेट अ विस्कस मास। उस फिल्ट्रेट को, उस लिक्विड को कॉन्सनट्रेट करेंगे, मतलब उसको जलाएंगे, जो वाटर है उसको इवेपोरेट होने के लिए उसको हम एक जलाने का प्रोसेस होता है वो करेंगे, टू गेट अ विस्कस मास। द थिक सिरप, जो थिक सिरप मिलेगा इज पोर्ड इन टू वुडन फ्रेम। एक थिक सेमी सॉलिड सा हमें मास मिलेगा जिसको हम वुडन फ्रेम के अंदर, एक ट्रे के अंदर रख देंगे उसको कूल होने के लिए। देन वो सॉलिडिफाइड जब हो जाएगा, अच्छे से सख्त हो जाएगा, तब उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, और इस यही होगा हमारा ब्लैक कटेचू, जिसका कलर जो होगा वो ब्लैक कलर का होगा, इसीलिए इसका नाम ब्लैक कटेचू दिया गया है।
ना ये जो हर्टवुड्स, ऐसा क्यों है कि इसके ब्लैक कटाए, चूँकि हमने हर्टवुड से लिया है, क्यों ना हमने उस पर बाइक से लिया या हमने उसकी लीफ से लिया। लीफ के अंदर हमने देखा था कि बेल कटाचू की जो होती है लीफ से हम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, और हमने इंट्रोडक्शन में बार्क पढ़ा था कि हम ओक का बार्क यूज़ करते हैं टैनिन के लिए। तो ऐसा क्यों है कि हमने अकेशिया कटाचू के अंदर हर्टवुड का यूज़ किया? तो इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर के अंदर मैंने ये भी बताया था कि जो टैनिन होता है, जब ट्री मैच्योर हो जाता है तो वो जो टैनिन है वो मूव करता है इनटू डेड पार्ट्स, इनटू डेड सेल। तो हर्टवुड जो होता है वो डेड पार्ट होता है, तो टैनिन यहाँ पर आके इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है एट मैच्योरिटी। इसीलिए जो हम प्लांट लेंगे वो भी मैच्योर प्लांट लेंगे, ताकि उसके हर्टवुड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हमारा टैनिन जो है वो प्रेजेंट हो। सो ये हुए प्रिपरेशन। हेलो एवरीवन, आज हम ब्लैक कटेचू करेंगे। सो हमने कल की क्लास में पेल कटेचू कवर कर लिया था, तो आज ब्लैक कटेचू की बारी है। सो ब्लैक कटेचू का सबसे पहले हम सिनोनिम पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ ब्लैक कटेचू? ब्लैक कटेचू को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक कटेचू का दूसरा नाम है पीरू कटाचू, या कटाचू निग्रम, या कथा। कथा हिंदी में बोलते हैं। तो आप तीनों में से कोई भी नाम याद कर सकते हैं, तीनों नाम बेस्ट होंगे। तो ब्लैक कटेचू को अगर एग्ज़ाम में पीरू कटेचू दिया है तो आप समझिएगा कि ये ब्लैक कटेचू है। नाउ इट्स सिनोनिम। सिनोनिम मतलब कहाँ से मिलता है? ब्लैक कटेचू इज़ द ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द हर्टवुड ऑफ अकाशिया कटाचू। ब्लैक कटाचू हमें हर्टवुड से मिलता है, और कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि जो पेल कटाचू है वो हमें लीव से मिलता है या उसके ट्विग से मिलता है। तो यहाँ पर एक डिफरेंस है ब्लैक कटाचू और पेल कटाचू के बीच में। सो करते क्या है अब, अकेशिया कटाचू एक प्लांट का नाम है, एक ट्री है, ये कोई शब्द नहीं है, एक ट्री है, मोटा सा एक ट्री होता है, उसकी मोटी सी एक स्टेम होती है। जब वो 2 से 10 साल तक का प्लांट हम लेते हैं, उसको कट कर लेते हैं, देन कट करने के बाद उसके जो ऊपर के बार्क होते हैं उसको रिमूव कर देते हैं, बार्क के अंदर आता है सैपवुड, देन हर्टवुड। तो हमें हर्टवुड से हम अकेशिया कटेचू, ब्लैक कटेचू या अकेशिया कटेचू का यूज़ करते हैं, तो हम हर्टवुड चाहिए हमें। सो बार्क को रिमूव करा, सैपवुड को हम रिमूव कर देंगे, कट कर देंगे, फिल कर देंगे, देन उसके बाद हर्टवुड को लेकर उसके पीसेस कर, छोटे छोटे पीसेस कर उससे, उसके एक्सट्रैक्ट से उसको पानी में बॉईल करेंगे, जो कि हम प्रिपरेशन में आगे पढ़ेंगे। उसको बॉईल करने के बाद वो जो एक्सट्रैक्ट मिलेगा उसको कॉन्सनट्रेट करने के बाद हमें ब्लैक कटाचू मिलता है। सो ब्लैक कटाचू इज़ दी ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट। एक्वस एक्सट्रैक्ट मिला, उसको हम ड्राई कर लेंगे, प्रिपेयर फ्रॉम दी हर्टवुड। ये एक्सट्रैक्ट हमने हर्टवुड से बनाया है ऑफ अकेशिया कटाचू। हर्टवुड किसका लिया है? अकेशिया कटाचू का लिया है। तो ये बायोलॉजिकल सोर्स है। नाउ इट्स फैमिली, ब्लैक कटाचू जो है लेग्यूमिनोसी फैमिली है, मतलब कि अकेशिया कटाचू की जो फैमिली है वो लेग्यूमिनोसी है। हैबिटेट ये इंडिया बुर्मा के अंदर पाया जाता है, इसके प्लांट पाए जाते हैं। नाउ प्रिपरेशन, कैसे प्रिपेयर करते हैं? सो द ट्री कौन सा ट्री, नाम क्या है? अकेशिया कटाचू। द ट्री इज फेल्ड, कट आउट या कट डाउन या कट ऑफ, फेल्ड का मतलब काटना, एंड बार्क एज वेल। ट्री के साथ साथ हम बार्क को भी रिमूव कर देंगे, ट्री को काट लेंगे पहले, फिर बार्क को हटाएंगे, फिर उसके बाद सैपवुड को काटेंगे, एज वेल एज सैपवुड आर रिमूव्ड। नाउ जो हमें हर्टवुड मिला, हमने बार्क हटा लिया, सैपवुड हटा लिया, नाउ हर्टवुड मिला। द हर्टवुड इज कट इन टू स्मॉल पीसेस एंड बॉइल्ड विद वाटर। हर्टवुड को छोटे 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 टुकड़ों में उनके पीसेस कर लेंगे, उसके बाद बॉइल करने के लिए उसको एक कंटेनर में, एक स्टेनलेस स्टील के अंदर या अर्थनवेयर कंटेनर्स के अंदर डाल देंगे उन हर्टवुड के पीसेस को, पानी के अंदर बॉइल्ड खोलते हुए पानी के अंदर। द डिकॉक्शन इज फिल्टर्ड एंड कॉन्सनट्रेटेड टू गेट अ विस्कस मास। डिकॉक्शन जो होता है एक प्रोसेस का नाम है, मैसीरेशन डिकॉक्शन, जो कि हम फर्स्ट ईयर में ही फार्मास्यूटिक्स के अंदर एक चैप्टर है डिकॉक्शन और मैसीरेशन का, उसमें हम पढ़ेंगे। डिकॉक्शन मतलब ऐसे होता है जो हम इसकी प्रिपरेशन के लिए पानी के अंदर जब हम हर्टवुड को डालते हैं, उसको बॉयल करते हैं, उसी प्रोसेस को डिकॉक्शन कहते हैं। अदर डिकॉक्शन इज फिल्टर्ड, जो हमें मिला है फिल्टरेट, जो एक्सट्रैक्ट जो हमें मिला है, इसकी जगह हम एक्सट्रैक्ट भी लिख सकते हैं। द एक्सट्रैक्ट इज फिल्टर्ड, उसको फिल्टर कर लेंगे एंड कॉन्सनट्रेट।
मतलब फिल्टर का मतलब क्या हुआ, जो पीसेस है हार्डवुड को उनको हटा देंगे, फेंक देंगे और हमें सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रैक्ट प्योर लिक्विड मिला जिसके अंदर बहुत सारे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है अकेशिया कैटाचुकी हार्डवुड के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं। सो द डिकॉक्शन इज फिल्टर्ड एंड कॉन्सनट्रेटेड टू गेट अ विस्कस मास। उस फिल्टरेट को, उस लिक्विड को कॉन्सनट्रेट करेंगे, मतलब उसको जलाएंगे, जो वाटर है उसको इवेपोरेट होने के लिए उसको हम एक जलाने का प्रोसेस होता है वो करेंगे टू गेट अ विस्कस मास। द थिक सिरप, जो थिक सिरप मिलेगा इज पोर्ड इन टू वुडन फ्रेम। एक थिक सेमी सॉलिड सा मास मिलेगा जिसको हम वुडन फ्रेम के अंदर एक ट्रे के अंदर रख देंगे उसको कूल होने के लिए। देन वो सॉलिडिफाइड जब हो जाएगा, अच्छे से सख्त हो जाएगा, तब उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और इस यही होगा हमारा ब्लैक कटैचू, जिसका कलर जो होगा वो ब्लैक कलर का होगा, इसीलिए इसका नाम ब्लैक कटैचू दिया गया है ना। ये जो हार्डवुड्स, ऐसा क्यों है कि इसके ब्लैक कटैचू के हमने हार्डवुड से लिया है, क्यों ना हमने उसके बार्क से लिया या हमने उसकी लीफ से लिया। लीफ के अंदर हमने देखा था कि बेल कटैचू की जो होती है लीफ से हम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, और हमने इंट्रोडक्शन में बार्क पढ़ा था कि हम ओक का बार्क यूज़ करते हैं टैनिन के लिए। तो ऐसा क्यों है कि हमने अकेशिया कटैचू के अंदर हार्डवुड का यूज़ किया? तो इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर के अंदर मैंने ये भी बताया था कि जो टैनिन होता है जब ट्री मैच्योर हो जाता है तो वो जो टैनिन है वो मूव करता है इनटू डेड सेल। तो हार्डवुड जो होता है वो डेड पार्ट होता है, तो टैनिन यहाँ पर आके इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है एट मैच्योरिटी। इसीलिए जो हम प्लांट लेंगे वो भी मैच्योर प्लांट लेंगे ताकि उसके हार्डवुड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हमारा टैनिन जो है वो प्रेजेंट हो। सो ये हुए प्रिपरेशन। नाउ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। ब्लैक कटैचू इज ब्लैक इन कलर। इरेगुलर मास मतलब कि कोई भी इसके ऊपर बहुत सारे स्क्रैचेस होते हैं। आउटर सरफेस इज रफ, बहुत ज़्यादा रफ होता है आउटर सरफेस, जिसके कारण इरेगुलर सा होता है वो दिखने में, छूने में। क्यूब्स आर हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, इजली ब्रेकेबल नहीं होते हैं, जैसे कि हमने पेड़बोर्ड के अंदर पढ़ा था कि बहुत नाजुक सा होता है, वो फ्राइबल होता है क्यों इसके। बट ब्लैक कटैचू के जो क्यूब्स होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, ब्लैक होता है कलर और आउटर सरफेस भी रफ होती है, पर पेल कटैचू के इसके अपोजिट ही था। इट इज़ कम्प्लीटली सॉल्यूबल इन हॉट वाटर, रूम टेम्परेचर का अगर पानी लेंगे तो इसमें कम्प्लीटली सॉल्यूबल है। बट पार्शली सॉल्यूबल, मतलब पार्शली मतलब थोड़े से हो भी जाएंगे सॉल्यूबल और थोड़े से नहीं भी होंगे। पार्शली मतलब मीडियम सॉल्यूबल है, मीडियम सॉल्यूबल इन कोल्ड वाटर एंड अल्कोहल। तो सबसे ज़्यादा सॉल्यूबल हुए हॉट वाटर के अंदर, गर्म पानी के अंदर। इनका जो स्मेल होता है वो ऑडरलेस होता है, कोई स्मेल नहीं होती है। टेस्ट जो होता है वो बिटर और स्ट्रिंजेंट टेस्ट होता है, जो कि हमने पेल कटैचू में भी पढ़ा था। नाउ इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। ब्लैक कटैचू के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कैटी चोटानिक एसिड प्रेजेंट होता है 25-35%। सेकेंड वन इज़ गम 20-30% एंड एकाकैटाचिन जो कि 2-12% प्रेजेंट होता है। इन सब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को लिख के याद करें, प्रोनाउंस करें, अच्छे से प्रोनाउंस करें, जो उसका वर्ड है, जो लेटर है वो अच्छे से अगर आप प्रोनाउंस करेंगे तो आप लिख भी पाओगे। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, पर जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं वो आप याद करें, 1-2 करें, नहीं तो इतने भी याद करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि इतने सारे ड्रग्स हैं। अगर हम ब्लैक कटैचू का सपोज़ याद कर भी लेते हैं तो हमारे पीछे में 30 और ड्रग्स है, तो उनका हम उनके भी हमें करने पड़ेंगे नाम याद। इसीलिए 1-2 करें पर सबके ज़रूर करें। नाउ इट्स यूजेस। यूज़ क्या है ब्लैक कटैचू का? एक्सटर्नली मतलब हम टॉपिकल मतलब जो स्किन पर अप्लाइड करते हैं। एक्सटर्नली इसका यूज़ है एज एन एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट मतलब स्टॉप करता है ब्लड के फ्लो को, अगर खून निकल रहा है तो उसको स्टॉप करता है ब्लीडिंग को। नाउ इट इज़ अप्लाइड टू अल्सर्स। अल्सर पे अप्लाई करते हैं, अल्सर मतलब घाव हो जाना, बॉयल्स मतलब फुंसी फोड़ा स्किन पे हो जाना, स्किन इरप्शन मतलब स्किन हट जाना, इन सब पे हम यूज़ करते हैं एक्सटर्नली। ब्लैक कटैचू को पीस करके अप्लाई करेंगे अगर, तो जो ब्लीडिंग निकल रही है वहाँ से, जो खून निकल रहा है वो स्टॉप हो जाएगा।
ना उसकी कूलिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती है, अगर पेट में गैस बन गई है तो भी उसको शांत करता है, कूलिंग ताजगी भी देता है, जैसे हम पान खाते हैं तो ताजगी सी भी लगती है। नाउ डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ भी होती है, डायरिया में भी बहुत यूज़फुल है। इसका जो कमर्शियल यूज़ है, कमर्शियल यूज़ का मतलब जो हाउस होल्ड यूज़ है, जो छोटे छोटे स्तरों पे इसका यूज़ है, वो है यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट ऑफ बीटल लीफ। बीटल लीफ का मतलब पान लीफ, पान की जो लीफ होती है उनको बीटल लीफ बोलते हैं। उसके अंदर ये एक इंग्रेडिएंट है, पान मसाला की तरह यूज़ होता है, कत्था पान मसाला की तरह यूज़ होता है इन बीटल लीव्स। सो ये इसकी यूजेस कंप्लीट। सो ये है अब ब्लैक कटैचू के कुछ टेस्ट, केमिकल टेस्ट। ब्लैक कटैचू कैटरचिन टेस्ट, जिसको मैचस्टिक टेस्ट भी बोलते हैं, वो पॉजिटिव देता है। वेनिलीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेस्ट पॉजिटिव देता है। ये दोनों की दोनों टेस्ट जो है मैंने समझा रखे हैं पहली वीडियो में, देखिए पेल कटैचू में भी बताया है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी बताया है। इनके अंदर पिंक कलर आएगा, पॉजिटिव का मतलब है इन दोनों टेस्ट के अंदर पिंक कलर आता है। सो ब्लैक कटैचू भी पिंक कलर देगा, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। अगर कोई कलर नहीं आया या कोई और कलर दे दिया तो इसका मतलब नेगेटिव है। बट ब्लैक कटैचू पिंक ही कलर देता है दोनों टेस्ट के अंदर, तो इसका मतलब ये ब्लैक कटैचू ये पॉजिटिव टेस्ट देता है। थर्ड वन इज गैम्बिया फ्लोरोसेंट टेस्ट और क्लोरोफिल टेस्ट, ये दोनों भी समझा रखे हैं। बट ये दोनों टेस्ट जो है ब्लैक कटैचू नेगेटिव देता है और पेल कटैचू पॉजिटिव देता है, इसीलिए इसको डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट भी कह सकते हैं। अगर डिस्टिंग्विश करने को आ गया पेल कटैचू और ब्लैक कटैचू के बीच में बताइए, तो ये दोनों आप पॉइंट लिख सकते हैं कि गैम्बिया फ्लोरोसेंट टेस्ट जो है नेगेटिव देता है, क्लोरोफिल टेस्ट जो है नेगेटिव देता है ब्लैक कटैचू, पर इसके अपोजिट पेल कटैचू ये दोनों के दोनों टेस्ट जो है वो पॉजिटिव देता है। नाउ फिफ्थ पॉइंट है, अगर हम एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ ब्लैक कटैचू, ब्लैक कटैचू का अगर हम एक्सट्रैक्ट लाइम वाटर के अंदर 10 ml लाइम वाटर एक बीकर के अंदर लिया, उसके अंदर एक से दो ड्रॉप हमने या 5 ड्रॉप मान लीजिए हमने एक्वस एक्सट्रैक्ट डाल दिए ब्लैक कटैचू के, ब्राउन कलर हमें मिल जाएगा, ब्राउन कलर इज प्रोड्यूस्ड एंड ऑन स्टैंडिंग फॉर 3 मिनट। अगर थोड़ी देर तक छोड़ देंगे, 3 से 4 मिनट तक अगर हम छोड़ देंगे तो एक रेड PPT बन जाएगी। सो ये एक टेस्ट देता है ब्लैक कटैचू, एक एडिशनल टेस्ट है। नाउ सिक्स पॉइंट भी हमने ये पढ़ा हुआ है कि ब्लैक कटैचू का एक एक्स्ट्रैक्ट लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा फेरिक अमोनियम सल्फेट डाल दीजिए। ब्लैक कटैचू एक हमने बीकर में लिया, उसके अंदर फेरिक अमोनियम सल्फेट डाल दिया, ग्रीन कलर हमें मिल जाएगा। ग्रीन कलर के बाद अगर हम उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे तो वो जो ग्रीन कलर है वो चेंज होकर पर्पल में बदल जाएगा। सो टेस्ट होगा ये 6 ब्लैक कटैचू के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।